कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान पढ़े अज्ञान न से हो। कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान पढ़े अज्ञान न से हो। आत्म का सम्मान जगा और अपने को कुछ शान दे, कुछ ध्यान दे, कुछ ज्ञान ले, कुछ ठान ले। शान दे, कुछ ध्यान दे, कुछ ज्ञान ले, कुछ ठान ले। कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े अज्ञान न से हो। कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े अज्ञान न से हो। चारों ओर अंधेरा हो तो छोटे बड़े क्या सभी को डर लगता है, पर जैसे ही उजाला हो जाए और दिखाई देने लगे तो डर भाग जाता है। इसी तरह कई बार जिंदगी में आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जैसे अगर बच्चा बीमार है और बहन घर में अकेली है, कोशिश करती है दवाई की शीशी पर क्या लिखा है, बस स्टॉप पर जाती है तो पढ़ नहीं सकती बस का नंबर क्या है। आइए इसी तरह की एक बहन कमला से मिलें, उनने अपनी इस लाचारी को कैसे दूर किया। जरूर सहज आते ही मैं जरूर खबर करूंगा। मेरे पास टाइम नहीं, किसी और से पढ़वा लेना। क्या हुआ? खबर न ठीक थोड़ी बहन के मुझे देना होगी। इसके तो बुखार बन रहा है। खबर न क्या होगी इसके, खबर नहीं देना होगी इसके। तड़िया आ गई ठीक ठाक तो होगा, क्या हो गया इसके, तुमने वो तड़िया लाई बैठी। आइए बहन जी, आप बड़े अच्छे टाइम पर आइए। देखिए बाबू क्या हो रहा है। मैं तो बनवारी की बहू के जापा हुआ तुम्हारे पड़ोस में, वहाँ आई थी। मुझे तुम्हारे बेटे का पता चल गया तो बीमार है, मैं फिर यहाँ आ गई। बुखार बड़ी तेज है, उल्टी तो नहीं आई है? नहीं। बुखार कब कप ही लग के चढ़ा है वैसे ही? कहीं देर होगी इसके, एक खूब कप पे एक कप कपी आई गई फिर बुखार चढ़ गई।
पानी लाओ पीने का। बहन जी ठीक भी हो जाएंगे ना इस दवाई से? इसके पापा भी घर नहीं है। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। इसको दवाई दे दी है, कल इसको सेंटर में लिए, इसके खून की जांच होगी, ठीक, इसका बुखार कम हो जाएगा। बहन जी रुकिए, आप इस चिट्ठी को बात सुनाओ। मैं इसीलिए तो बोलती हूँ तुम पढ़ना लिखना सीखो। चिट्ठी सुबह की आई हुई है, तुम पढ़ लेती तो इनके पापा के पास पता कर देती, बच्चा घर में बीमार है, तुम परेशान हो। ले मैं पढ़ देती हूँ। श्रीमान सेवा में माता माता जी, हम यहाँ पर सब राजी खुशी परम पिता परमात्मा की कृपा से बालक आप और सब कुशल मंगल होंगे। आगे समाचार यह है कि आपके आशीर्वाद से मुझे फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। बहन जी इधर क्यों घूम रही, इधर आ मेरे साथ। देखिए यहाँ छोटी बच्ची से लगाकर बूढ़ी तक पढ़ने लिखने आती है, तुम भी आओगी? हाँ जी देखूंगी, टाइम लगभग। अच्छा आ जा, सोच समझ के हमें बताइए कब आएगी। बताऊंगी। अच्छा तो बैठ, तुम्हारे बच्चे की जांच कर लेते हैं। राम राम। आज तो खुशखबरी लाया हूँ। मनी ऑर्डर लाए हैं। आपके घर वाले ने भेजा है। ये लो अंगूठा लगाओ इस पे। ₹400। तुम्हारा बच्चा कैसा है बहन जी? हाँ जी ठीक है। अच्छा ये चिट्ठी कहाँ से आई, ले पढ़ के सुना दूँ? सुना दो जी। अच्छा, तुम्हारे पति ने लिखा है, पहले भी मैंने कार्ड भेजा था, अपना समाचार तो मैं भेज देता हूँ, परंतु तुम लोगों की चिंता रहती है, कैसे भी दो लाइनें लिखाकर भेजने की कोशिश करना। भाई को प्रणाम कहना, माताजी को पांव धोक, भीम सिंह। चिट्ठी पढ़ने में तो घने दिन साबत दिन लग जाता, मैं लिखवान कहाँ जाऊँ? लिखने पढ़ने की कोशिश करो ना, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ, पढ़ना सीखो। पढ़ूंगी, आऊंगी जी, जरूर आऊंगी। कमला की परेशानी में तो हेल्थ वर्कर ने मदद कर दी, पर अगर औरतों को थोड़ी बहुत जानकारी हो तो वो घर में ही कुछ कुछ आम बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। दस्त लगने के साथ ही बच्चे को यदि एक घोल बनाकर दें, जिसमें एक ग्लास उबला हुआ पानी, एक चुटकी नमक, एक मुट्ठी चीनी और आधा नींबू निचोकर
अगर बच्चे को पिलाएं तो बच्चा सूखेगा नहीं। दस्त लगने से बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यह घोल देने से बच्चे को पानी बराबर मिलता रहेगा। इस पैकेट में इस मिक्सचर का घोल है, यह पैकेट आप किसी भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाकर ले सकते हैं। दिल्ली शहर की जहांगीरपुरी बस्ती की ओर आप देखें। बीच शहर में बसी जहांगीरपुरी की औरतें घरों से बंधी हुई रहती हैं, ना तो खेती है ना कोई और मजदूरी, अपनी आमदनी कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ औरतें बुनाई जरूर करती हैं जिससे चार पैसे कमा पाती, लेकिन वो भी दलाल की मेहरबानी पर। लेकिन कुछ औरतों में एक नई चेतना, कुछ अजब रोशनी दिख पड़ती है। अब हम पिछले ना बुधवार को गए थे, इसी दिन कहने लगे हम एक हफ्ते के अंदर लिख कर देते तुम्हारे घर पानी पहुंच जाएगा नल गली में, अभी तक आई नहीं है ना पानी। अब आज हम फिर सब जना इकट्ठे होकर जा रहे हैं, और जिन जिन जिनको जाना ये अपने आप ही तय करेंगे कि हम कब जाएंगे। नहीं, इसके जाने होगी तो अलग, जैसे कोई इंसान बीमार हो या कुछ भी हो, हम मीटिंग करके पता करें। इन्हीं औरतों ने आखिर दलाल के चंगुल से निकलने के लिए साथ मिलकर एक संस्था बनाई, सबला महिला संघ। अब ये औरतें साथ बैठकर बुनाई करती, साथ ही सामान बेचती और साथ ही ज्यादा मुनाफा का लाभ उठाती। यही नहीं, अब बस्ती की और औरतों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विषयों पर भी काम करने लग गई हैं। बिमला से बात करते हैं। दलाल के बारे में हमें गौरी ने बताया कि आपकी पूरी मेहनत बेकार जाती है, आपको थोड़े पैसे देते आप उसमें खुश हो जाते हैं, और अगर कहने लगी आपके एक जने से काम नहीं चलेगा, आप अपना कुछ नहीं, आप 10 बहने इकट्ठा करें। ऐसे करते करते बहुत सी बहनों को समझाते समझाते फिर उनको कुछ विश्वास आया। उसके दौरान फिर हमारा पहला क्या ये काम था, बिनाई, दूसरी पढ़ाई, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा मनोरंजन। अब इस साल से ऐसा देखा कि जिस तरह दूर हम लड़कियों को नहीं भेज सकते, बहुत बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, इस हिसाब से हमारे ये सबला महिला संघ के अंदर एक सिलाई का सेंटर, वो वीरमती बहन की थी, और अब हम 5 कमेटी मेंबर बन गए। उसके अंदर पहला मेरा 1 नंबर बिमला, फिर दूसरी लक्ष्मी, फिर तीसरी सुरेश, चौथी राधा और एक कलसुम। कलसुम इस संघ की एक और सदस्य। इसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया इससे पूछें। इस सबला महिला संघ के अंदर आने से मेरे अंदर बहुत सहूलियत हुई है। क्या सहूलियत हुई, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे अंदर देखो, एक तो सहूलियत ये हुई कि मैं घर से बाहर कहीं निकल नहीं सकती थी। मेरे घर वाले या मेरे महके वाले भी सब खिलाफ थे कि मतलब हमारी जात में ज्यादा कहीं बाहर औरतें नहीं जाती हैं, और मुझे शौक था कि मैं हर जगह जाऊँ। अब ये बात है कि जो पहले समस्या थी वो मेरा भी अब नहीं है, अब मैं कहीं जा भी सकती हूँ। और फिर एक बात ये है कि जब मैं संघ के साथ नहीं आती तो मैं सिर्फ घर से अलावा कहीं जाती नहीं थी, कुछ काम नहीं करती थी, और फिर अपनी मदद के पर रहती थी। एक तो यह बहुत सहूलियत मुझे हुई कि अब मुझे ये जरूरत नहीं रहती कि मेरा आदमी मुझे ला के दे और मैं अपने शौक की चीज लूं या मैं अपने दिल की चीज कोई लूं, तो अब मेरे पास इतना हो जाता कि मैं खुद ही अपने ले लेती। जैसे आपका बच्चा स्वास्थ्य के काम पर निकली हुई है ज्ञानवती। दवाई लाई थी, इसकी टट्टियां ऐसी हैं बिल्कुल पानी जैसी, तो दवाई लाने से तो कुछ फायदा है। इसको पानी पिलाना चाहिए घोल बना के, तो जैसे एक लोटा पानी तुम उबालते और उसको ठंडा कर लो बिल्कुल, तो उसमें तुम नमक डालो एक चुटकी, आधा नींबू डालो, और ऐसे करके एक मुट्ठी तुम चीनी या शक्कर कुछ भी डाल लो, और उसको तुम बच्चे को दिन में जितनी बार बच्चा तुम पिला सको उतने बार बच्चे को पिलाओ। अच्छा, ये आपने जब शुरू किया तो आपके पति ने कुछ इसके बारे में कहा नहीं? कहा था। क्या कहा? कि आप ये काम क्यों करती हो, आपको खाना नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये सब कुछ उन्होंने मेरे से बहुत बार कहा। फिर मैंने धीरे धीरे करके, मैं कभी कहती थी छोड़ दूंगी, कभी कहती थी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे धीरे 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 मैं उनसे लड़ती रही। मतलब आज वो लड़ाई का ये नतीजा निकला कि अब वो कभी भी नहीं कह सकते कि तुम ये काम छोड़ दो। अच्छा, जिस तरह ज्ञानवती ने अपने घर वालों का साथ जीत लिया,
उसी तरह पढ़ी लिखी सुधा ने अपने समाज का साथ पा लिया। स्वास्थ्य के अलावा पढ़ाई लिखाई का काम भी करती है। सर्दी जुकाम और फ्लू, सर्दी जुकाम और फ्लू, ये टेट्रासाइक्लिन या कोई दूसरी प्रतिजीवाणी दवा होती है, इसको खाने से लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। आप लोगों के इस संगठन का यहाँ आसपास के रहने वाले और बस्ती में क्या असर पड़ा? पहले तो किसी को नहीं पता था, लेकिन अब पता जैसे जैसे चलता जा रहा है तो वैसे वैसे वो लोग आते हैं कि कहीं झगड़ा होता है तो चलो, अब मेरे गली में कोई झगड़े होते हैं तो सारे लोग मेरे पे ही आते हैं कि चलो वहाँ झगड़ा हो गया। और किसी टाइम में खाना बना रही हूँ तो खाना छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि जब इस काम में कदम बढ़ाया है तो वो तो करना ही पड़ेगा, अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा, परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, तो फिर करना पड़ता है। तो काफी जगह जानकारी हो गई है कि सबला मेला संज्ञा बना हुआ है। और इधर घर में मत जाना, कितने हो गए? इधर रखे जाएंगे नौ, इधर नीचे, इधर पांच और तीन कितने हो गए? आठ ले लो। अब ये करना है, कोई दूसरा करेगा इसको और दूसरे सवालों को? पढ़ी लिखी के बल से चल रहे हैं मेरे ख्याल। इस संघ की सबसे तेज महिला भागवती, पर्ची नहीं भी कटती, अभी एक बार माल बिकाया तो पर्ची कहाँ कटी थी? जरूरी है कि पर्ची कटेगी, वैसे भी तो हिसाब हो जाता है, परेशानी कितनी होती है। फिर भी तो हर बार पढ़ी लिखी चलेंगी, पढ़ी लिखी चलेंगी। अरे तो फिर तुम लोग पढ़ती क्यों नहीं हो? जब तुम्हारे लिए स्कूल खुला तो पढ़ती क्यों नहीं हो तुम लोग? कम से कम हिसाब का, पर्ची काटने का तो तुम लोग वो करो। इतनी तुम्हारे को सुविधा दे रखी है यहाँ पर, सिलाई सीखो, पढ़ाई करो, हमारा दिमाग ही नहीं करो। सिर्फ तुलसी में तुम्हारा दिमाग है, पढ़ाई में दिमाग नहीं है तुम्हारा। देखो जब मैं हेल्थ का काम करती हूँ या इनको कुछ बीमारी के बारे में बताती हूँ, या जैसे ये हम प्रोग्राम लेते हैं नीम की पत्ती पिलाना, जब तो वो कहते हैं कि भाई अच्छा काम करते हैं। जब हम लड़ाई दंगे में साथ देते हैं जाते हैं तो कहते हैं बहुत खराब लोग हैं ये, जिद्दी लोग हैं ये लोग, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। यहाँ पर एक गला गला की औरत को मार दिया गया था, हमने कहा उनके मूल्य वाले उठाएं ना उठाएं, लेकिन जो हमारे सबला मेला संघ की औरतें 25 हैं, ये ऑब्जेक्शन उठा रही हैं जरूर, कि ये जरूर कह रही हैं कि इस औरत की अगर पोस्टमार्टम से ये लोग डरते हैं तो डॉक्टरी हो जाए, पर उन्होंने डॉक्टरी नहीं करवाई। पुलिस वालों ने हम लोगों के ऊपर वो मारने के लिए चढ़े, हमने काफी उन लोगों से झगड़ा किया, पर जब हम इधर आए तो वो उठा कर ले गए। पोस्टमार्टम उसका नहीं है और ये केस अभी तक जारी है, केस अभी चल रहा है। मतलब इतने सामाजिक कार्य में आप जब अपना हिस्सा बताती हैं, अगुवाई करती हैं, और आपके लड़की और लड़के दोनों हैं, आप बताओ आप उनकी शादी करोगे तो दहेज दोगे और लोगे या नहीं लोगे? जहाँ तक है हम तो सोच रहे हैं, अभी हमारी लड़की पढ़ रही है और पढ़ लेंगी, लिख लेंगी, किसी चीज की ट्रेनिंग कर लेंगी, फिर आगे अगर हो सका तो हम बिना दहेज के, अगर हमारे समाज वाले दीदी असल में जीने नहीं देते हैं, बिना दहेज की तो कोई लड़की हमारी उठाएगा नहीं। एक तो हम धीरे धीरे फिर से बाहर निकले, अगर एकदम ही हम इस चीज को तोड़ देते हैं तो फिर हमारा जो सब कुछ करते हैं वो एकदम बंद हो जाएगा। 25 ग्रुप के औरतों के अंदर कोई बड़ा लड़का तो है नहीं, उसका चंद्रवती का लड़का है। मैं सोचती हूँ अगर ये जात वो दहेज ना ले तो मैं तो इसके लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करूँगी। जब ये भेदभाव और ये दहेज जब ही तो खत्म होगा जब हमारे ग्रुप से चालू होगा। सही सही बात है। मैं तो चंद्रवती को आपसे नहीं, जब से मैं जहांगीरपुरी में आई जब से पटाने में लगी अच्छे बल्ले में शादी भी हो जाएगी, बहू भी घर में आ जाएगी और खर्चे भी नहीं होंगे, घर भी नहीं जाएंगे। कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े ज्ञान न से हो, कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े ज्ञान न से हो, कौन पाठ पढ़िए ज्ञान बढ़े।